दोस्तों, हॉरर मूवीज़ तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे हॉरर मूवीज के बारे में जो कि एक्चुअल में रिलीज की गई है 2021 में और 2022 में। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज के बारे में आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल अपडेट वन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10, स्क्रीम 5। दोस्तों, यह कंप्लीट मूवी स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि स्लैशर एक्टिविटीज के ऊपर मूवीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी एक्चुअली शुरू होती है फिर से अचानक से 25 साल बाद एक सीरियल किलिंग एक्टिविटी चालू हो जाती है, और असल में ये सीरियल किलिंग एक्टिविटी कौन कर रहा होता है, इवन इसके पीछे क्या मोटिव है, इसी मिस्ट्री को कंप्लीट मूवी में सॉल्व करने की कोशिश की गई है। मूवी रिलीज की गई है 2022 में और इसका आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 6.5। नंबर 9, टेक्सास चेंसॉ मैसेकरी। दोस्तों, ये कंप्लीट मूवी स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि हॉरर या स्लैशर मूवीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ टीनेज लड़कों से और लड़कियों से जो कि एक्चुअल में वेकेशन मनाने के लिए टेक्सास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर जाते ही उनके साथ कुछ स्लैशर एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है, और लास्ट तक वहां से कौन कौन सर्वाइव करता है ये दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है 2022 में और आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 4.8। नंबर 8, मेलिगेंट। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कैसे लड़की से जो कि एक्चुअल में सपने में बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें देख रही होती है, या फिर कह सकते हैं कि वो सपनों में कुछ ऐसे लोगों को मारते हुए देख रही होती है जो कि सच में हो चुकी होती है, लेकिन असल में इन विजन्स के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है इसी को रिवील करने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है 2021 में और आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 6.3। नंबर 7, डेड ऑफ मी। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक कपल से जो कि एक्चुअल में वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन अचानक से ही एक दिन एक लड़की अपने ही डेथ के विजन्स को देख लेती है जो कि उसके लिए अविश्वसनीय रहता है, लेकिन इनके पीछे असल में क्या मिस्ट्री छिपी हुई है इसी को किसी भी तरह से रिवील करना चाहती है वो लड़की, और लास्ट तक इस मिस्ट्री को रिवील करने में वो कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है ये दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है 2021 में और आईएमडीबी रेटिंग देती 10 में 4.4। नंबर 6, रेजिडेंट इविल, वेलकम टू रकून सिटी। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड साइंस फिक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी एक्चुअल में शुरू होती है रकून सिटी से, जहां पर अचानक से ही एक इन्फेक्शन फैलने की वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और लास्ट तक ये इन्फेक्शन कितने लोगों की जान लेती है, इवन उस जगह से कौन कौन सर्वाइव कर पाता है, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है 2021 में और आईएमडीबी रेटिंग दी है 10 में 5.2। नंबर 5, द प्रिविलेज। मूवी बेस्ड है हॉरर मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक वेल्थी टीनेज लड़के से जिसके दोस्त को एक्चुअल में कुछ डार्क शक्तियां पकड़ लेती है, या फिर कह सकते हैं कि एक्चुअल में वो इवल्स के सिकंजे में आ जाता है, और लास्ट तक वो अपने दोस्त को किस तरह बचाता है इवल के हाथों से यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है 2022 में और आईएमडीबी रेटिंग दी है 10 में 4.6। नंबर 4, नो वन गेट्स आउट अलाइव। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है कैसे लड़की से जो कि एक्चुअल में बहुत ही सस्ता अपार्टमेंट भाड़े में लेती है, लेकिन इस अपार्टमेंट के पीछे बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें छिपी हुई हैं, और इस अपार्टमेंट में एक बार जो जाता है वो वापस नहीं आता है। असल में इस अपार्टमेंट के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है इसी को रिवील करने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है 2021 में और आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 5.3। नंबर 3, एंथलर्स। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक स्मॉल टाउन से जहां पर एक टीचर अपने ही स्टूडेंट को पाती है कि वो एक्चुअल में इवल शक्तियों से घिरा हुआ है, यानी कि वो एक्चुअल में इवल शक्ति के वश में है, और लास्ट तक वो टीचर उस लड़के को किस तरह बाहर निकालती है इवल शक्तियों के हाथों से यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। इवन इस इवल पावर के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी क्रिएट करती है। मूवी रिलीज की गई है 2021 में और आईएमडीबी है 10 में 5.9। नंबर 2, ओल्ड। मूवी बेस्ड है हॉरर थ्रिलर एंड साइंस फिक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसे लोगों से जो कि एक्चुअल में वेकेशन मनाने के लिए बीच पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचते ही उनके साथ कुछ अजीबोगरीब हादसा होना शुरू हो जाता है, यानी कि उनकी उम्र बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, और लास्ट तक इन सभी लोगों का अंजाम क्या होता है उस आइलैंड पर या बीच पर यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी की कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी एकदम ही डिफरेंट बनाई गई है, इवन इसकी एंडिंग आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज भी करने वाली है। मूवी रिलीज की गई है 2021 में और आईएमडीबी रेटिंग होती है 10 में 5.8।
और लास्ट और नंबर वन पर हम बात करेंगे लास्ट नाइट इन सोलो। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है कैसे लड़की से जो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंग्लैंड पहुंचती है, लेकिन वहां पर पहुंचते ही उसका सामना कुछ अजीबोगरीब लोगों से होता है। इवन वो ड्रीम्स में जो भी चीजें देख रही होती है वही चीजें उसके साथ रियल लाइफ में हो रही होती है, लेकिन ड्रीम में वो कुछ ऐसी भी चीजें देख लेती है जिसका पीछा वो किसी भी तरह से छुड़ाना चाहती है। और लास्ट तक वो लड़की अपने आप को इन सभी चीजों से किस तरह बाहर निकालती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है 2021 में और आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 7.1। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा और इसी तरह के अमेजिंग अपडेट्स के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।